वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। कल से चलेंगी 200 स्पेशल ट्रेनें। पहले ही दिन 1,45,000 से अधिक यात्री करेंगे सफर। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर प्रस्थान से 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। यात्रियों की मेडिकल जांच भी होगी। यात्रियों के ट्रेन खुलने से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। देश में 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। इसमें एसी कोच और नॉन एसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक पहले ही दिन 1,45,000 से अधिक यात्री यात्रा करेंगे। रेलवे का कहना है कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों में सफ़र के लिए बुकिंग कराई है। यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को प्रस्थान से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों के पास कन्फर्म आरएसी टिकट होंगे केवल उन्हें ही स्टेशन के भीतर जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने के लिए अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को सफ़र के दौरान ट्रेनों में मास्क लगाना होगा। वहीं मोबाइल से आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। यात्रियों को अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच करानी होगी। केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी। टीटी के लिए टाई और कोट पहनने की अनिवार्यता भी खत्म रहेगी। रेलवे ने 1 जून से शुरू होने वाली 200 विशेष ट्रेनों में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 167 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब रेलवे ने ट्रेन में सवार टिकट जांच कर्मचारी यानी टीटीई के लिए टाई और कोट पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। टीटीई अतिशीशा मैग्नीफाइड ग्लास दिया जाएगा ताकि वह दूर से टिकटों की जांच कर सकें और शारीरिक संपर्क से बच सकें। ट्रेनों में टिकट की जांच करने वाले टीटीई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने, सिर ढकने का कवर, सैनिटाइजर, साबुन समेत अन्य चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी।